मैं सुनीता मलिक, आज मेरा तीसरा चौथा दिन है धरने को। मैं आज भी धरने पर बैठी, इतनी ठंड में। ये बहने मेरे साथ आई है, रितु है, रितु शर्मा, सिसोली मंडल अध्यक्ष। दोबारा से बोल लो। मैं सुनीता मलिक, महिला मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष थी, ये तो आपको सबको पता ही। मेरे पद से हटाया, पद के लिए पूछा तो निष्कासित करा, अब निष्कासित के लिए नहीं बता रहा। मैं 3-4 दिन हो गए धरने पर बैठी हूँ। कोई भी बड़ा नेता किसी का मेरे पास फोन आया हो, मेरे से पूछा हो कि बहन आज हम बैठ कर बात करेंगे, मेरे से जब तक बात नहीं करेंगे मैं यही बैठी। जब सुधीर सैनी मेरे को हटा सकता है, उसे क्या अधिकार है? मेरे 15 साल मुझे वापिस दो ना, सुधीर सैनी मेरे 15 साल वापिस दो। बस रीजन ये है कि एक ऐसी समाज के लिए मैं थाने में खड़ी हुई थी, दोनों सगे भाइयों में झगड़ा था, विवाद यहाँ से चल रहा, मेरे को यहाँ कहा थाने में क्या लेने जाती है? फिर दोबारा मेरे को पद से हटा दिया। मैं कार्यालय पर पूछने आई, भाई मेरे को क्यों हटा, रीजन दे दो। तो मेरे साथ यहाँ बदतमीजी करी, उल्टा सीधा बोल रहा, बाहर भगाने तक आया कार्यालय से बाहर तक, आग जा बैठ जा। मगर मैं धरने बैठ जाऊंगा, बैठ जा, क्या करेगी? यहाँ तक कि उसके बाद यहाँ से गायब है मेरी। मुझे पन्नागर में इतने नेता है बड़े बड़े, मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर तक भी सत्येंद्र सिसोदिया हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी मेरे से अब तक कॉन्टेक्ट नहीं करा। जब तक नहीं करेंगे तो मैं ऐसे ही बगावत करूंगी, अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, नारी सम्मान के लिए। मुझे आज किन्नर समाज की बहने रिया वे आई थी, वे मुझे समर्थन देकर गई। आज ये मेरी बहने आई है, ये मुझे समर्थन दे रही है, शाहपुर मंडल से आई है। शाहपुर मंडल है, सिसोली मंडल, ये बीजेपी महिला मोर्चे में ही है मंडल में, ये मेरे को आज समर्थन देने आई है। अब आगे ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, नहीं मेरे से बात करेंगे तो बातें और बढ़ती रहेंगी। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ी, मुझे जो मेरा अधिकार था वो जो इन्होंने छीना ना, वो मेरे को वापिस चाहिए। भाई मेरे को तो अभी कुछ नहीं पता चला, मुझे किसी सा किसी विपक्ष पार्टी वालों से मेरा किसी से संपर्क नहीं। मुझे पता चला, मेरा फोन उस पर लगा दिया सर्विस लाइन पर, तो लगा दिया, पता कर लेंगे ना किस किस से बात करी। विपक्ष से मेरा कोई मतलब नहीं है। जब भाई मैंने 15 साल अपनी पार्टी को दिए है, मैंने बच्चे छोड़े, काम करा पार्टी के लिए, तो क्या मैं विपक्ष से बात करूंगी? क्यों करूंगी? अपनी पार्टी के लिए हूँ, योगी और मोदी जी के लिए काम करा है, करती रहूंगी, अपना अधिकार वापस लूंगी। पद ना मिला मैं यही बैठू, चाहे मरू या जीऊ मैं यही बैठू। जब तक मेरे से बात करके कोई इसका हल नहीं निकालते, मैं जब तक यही बैठी रहूंगी। सुधीर सैनी से किसी से मेरी कोई बात नहीं हुई, ना सुधीर सैनी जी बात कर रहे, ना बालियान भाई बात कर रहा, ना कपिल देव बात कर रहा। बहुत है जो बात करे, एक मेरे खुलकर मेरे समर्थन में आए थे, तो उनसे भी सुधीर सैनी जी लड़े हैं, बताओ उनसे भी लड़े हैं कि सुनीता के समर्थन में क्यों आए। वो तो जब शुरू में फर्स्ट टाइम 24 तारीख को मैं बैठी थी, उस दिन मुझे उठा कर ले गए थे, आश्वासन देकर कि मैं बात करूंगा। अब मैंने फिर उनसे परसों बात करी, कहने लगे मेरी कोई सुन नहीं रहा, तो मैं फिर दोबारा बैठी। अब मेरे से कोई बड़ा नेता बात करेगा तो जब मैं आऊंगी, मुझे अपना सम्मान वापिस चाहिए, अपना सम्मान नहीं छोड़ने की। सम्मान के साथ आई थी पार्टी में, सम्मान के साथ रहूंगी। जिला संगठन कोई बात ही नहीं कर रहा अभी, वे पता ही नहीं क्या चाहते हैं। वे बताओ तो बात तो करो कम से कम मेरे साथ, क्यों नहीं करते मेरे से बात? कोई नहीं बात कर रहा मेरे। मैं तो योगी जी से कहना चाहती हूँ, योगी जी मैं चुनाव में इतनी मेहनत करी, आप बेटियों के महिलाओं के सम्मान में बहुत कुछ कर रहे हो, और मैं भी एक वह महिला हूँ जो मैंने पार्टी में काम करा। अब मेरे लिए भी तो सोचो कि नीचे के कुछ नेता औरतों को टारगेट बनाते हैं, मेरे को टारगेट बनाया गया। वो भी सुधीर सैनी ने 2 बार मेरे को टारगेट बना लिया, ये दूसरी बार है जब मैं बोली। पहली बार मैं बोली नहीं थी, 2019 में इन्होंने मुझे टारगेट बना था, जब भी मुझे पद पर हटा था, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए नहीं बोली थी, भाई मेरी पार्टी को नुकसान ना हो जा। तो मुझे फिर वही काम 2019 के बाद 24 में वही करा जब मैं बोली हूँ।
पार्टी के खिलाफ धरना नहीं है, सुधीर सैनी जी के खिलाफ धरना है, किसी नेता के खिलाफ धरना नहीं है, सिर्फ सुधीर सैनी के खिलाफ है, जो मेरा मान सम्मान खराब करा, मेरी इमेज खराब करी, मेरे को टारगेट बनाते हैं, जब आते हैं मेरे को टारगेट बनाते हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद। रितु सिसोली मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा। हम सुनीता दीदी को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। जो सुधीर सैनी जी है इनके साथ में, महिला के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता मोदी जी के और योगी जी के राज में। हम अपने पद से इस्तीफा देंगे सिसोली मंडल से, और शाहपुर मंडल से ललिता त्यागी है और नीलू शर्मा जी है, हम सब अपने पद से इस्तीफा देंगे। क्यों इस पार्टी में इंसाफ किसी को नहीं मिलता? काम ये अपने तरीके से करवाओगे, फिर किस तरह करवाओगे? नहीं ला रहे ना हाँ। जैसे मेरे समय ममता जी को लिया, जैसे सुधीर जी को अच्छा लगेगा ऐसा करा लेंगे। हमने तो 2014 से इस तरीके से वो कर रखा, घर घर जाकर अपने चप्पल जूते भी घिसा रखे, और आज तक हमारा इस पार्टी में कुछ भी कार्य नहीं है। हम ये चाह रहे कि दीन इंसाफ मिल जाए सुनीता दीदी को, फिर हम इनकी साथ में धरना। जब तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं होने का तब तक धरना चलेगा लगातार।